नमस्ते आई एम जे वी एन विष्णु शामोत्या, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथेडोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम एफ बी टी ट्राइमेस्टर कोर्स थर्मोडाइनेमिक्स सेशन थर्मोडाइनेमिक्स सिस्टम एंड सराउंडिंग और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशन ऑफ हीट एंड वर्क विद केमिकल रिएक्शन और विद फिजिकल चेंज ऑफ द स्टेट तो थर्मोडायनेमिक्स मीनिंग्स द फिजिकल केमिकल एंड फिजिकल चेंजेज हॉप इंटर रिलेशन हीट एंड वर्क तो हीट एंड वर्क में जो इंटर होता है या फ़िजिकल चेंजेज होते हैं उसको बोलते हैं अपन थर्मोडाइनमिक्स थर्मो है थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट टॉपिक सिस्टम एंड सराउंडिंग ए सिस्टम इन थर्मोडाइनमिक्स रेफर्स टू डैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स रेफर्स टू डैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड आर रिमेनिंग यूनिवर्स कंटिन्यूड द सराउंडिंग द सराउंडिंग इंक्लूडेड एवरीथिंग अदर देन दिसटम दिस्टम एंड द सराउंडिंग टुगेदर कंटिन्यूटी द यूनिवर्स तो द यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग तो सिस्टम और सराउंडिंग आर कन्वर्ट टू यूनिवर्स तो फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द डायग्राम दाच ग्लास दिस्टम एंड आउट ऑफ स्पेयर आर सराउंडिंग तो सिस्टम एंड सराउंडिंग आर यूनिवर्स तो यूनिवर्स के पार्ट होते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग द सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री जो सिस्टम को सेपरेट करती है उस उस सराउंडिंग को का कहते हैं अपन बाउंड्री आर सिस्टम सेपरेट कॉल्ड सराउंडिंग ठीक है द टाइप्स ऑफ सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ सिस्टम वैन फर्दर क्लासीफाई द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द मूमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन और आउट ऑफ द सिस्टम देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम दो टाइप्स ऑफ सिस्टम आर क्लासीफाई इन थ्री कैटेगरी तो जब सिस्टम को क्लासीफाई किया तो किसके किसके अकॉर्डिंग किया एनर्जी एंड मू मैटर के अकॉर्डिंग भाई किस कंपाउंड में एनर्जी का और मैटर का ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इन हो रही है या आउट हो रही है मैटर इन हो रहा है या आउट हो रहा है तो इसमें अपन फर्स्ट पढ़ते हैं तो देर आर क्लासीफाई इन सिस्टम देर आर क्लासीफाई इन थ्री कैटेगरी तो फर्स्ट कैटेगरी आती है फर्स्ट कैटेगरी आती है सिस्टम की ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम देर आर क्लासीफाई इन थ्री कैटेगरी ऑफ टाइप्स ऑफ सिस्टम तो उसमें फर्स्ट आता है ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम तो अपन फर्स्ट सिस्टम पढ़ेंगे ओपन सिस्टम इन एन ओपन सिस्टम इन एन ओपन सिस्टम देर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर इन एन ओपन सिस्टम देर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन द परजेंट ऑफ रिएक्टेंट इन एन ओपन बीकर इन एन एग्जाम्पल एन ओपन सिस्टम तो अपन को देखना है ओपन सिस्टम में क्या होगा ओपन सिस्टम में एनर्जी का और मैटर का एक्सचेंज होगा किसके बीच में सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में यदि एनर्जी का एक्सचेंज होता है जो कि डायग्राम ए में दिखाया गया है ओपन सिस्टम इसमें मैटर का एक्सचेंज भी हो रहा है और एनर्जी का एक्सचेंज भी होता है तो जिसमें मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज होता है उस कंप उस सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन ओपन सिस्टम नेक्स्ट क्लोज सिस्टम इन ए क्लोज सिस्टम देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज़ पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन द एक्सप्ल ऑफ डाइग्राम बी देखो डाइग्राम बी में इन ए क्लोज सिस्टम जो सिस्टम क्लोज होगा उसमें नो एक्सचेंज ऑफ मैटर मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज़ पॉसिबल एनर्जी का एक्सचेंज क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एनर्जी का एनर्जी पॉसिबल होगी क्योंकि ट्रांसफर एनर्जी का ट्रांसफर ईजिली हो जाएगा सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर बट वो किस में होगा बीकर के अंदर ही यानी कि बाहर नहीं होगा सराउंडिंग में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अंदर ही उसका एनर्जी का एक्सचेंज होता रहेगा उसको बोलते हैं अपन क्लोज सिस्टम बट ये याद रखना क्लोज सिस्टम में नो एक्सचेंज ऑफ मैटर क्लोज सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है ओनली किसका एक्सचेंज होता है एनर्जी का नेक्स्ट आइसोलेटेड सिस्टम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है किसके बीच में सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में देखो अपन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर और एनर्जी का एक्शन देख रहे हैं तो उसी उसी उस टाइप से अपन ने सिस्टम कितने पड़े थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम जब मैंने फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम बोला तो उसको बोला मैंने ओपन सिस्टम और ओपन सिस्टम के लिए मैंने कंडीशन बताया कि इन द ओपन सिस्टम एनर्जी एंड मैटर एक्सचेंज सिस्टम एंड सराउंडिंग बट क्लोज सिस्टम नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट आइसोलेटेड सिस्टम इन आइसोलेटेड सिस्टम देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग फॉर एग्जाम्पल यदि मैं थर्मोप्लास्ट की बोतल जो आपने एक बोतल देखी होगी उसमें जब अपन जो कूलिंग वाटर रखते हैं तो कूल हो रहता है और यदि अपन हॉट वाटर रखते हैं तो हॉट रहता है तो नो सिस्टम एंड सराउंडिंग एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड एक्सचेंज ऑफ द मैटर तो जो थर्मोप्लास की बोतल होती है उसमें ना तो सिस्टम और सर, सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है और ना सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अपन का अपने पास मैटर का ट्रांसफर होता है तो ऐसे करके अपने पास थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ते हैं ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम उसके बाद में आता है थर्मोडाइनेमिक्स प्रॉपर्टीज नेक्स्ट टॉपिक हुआ थर्मोडाइनेमिक्स प्रॉपर्टीज इन जनरल थर्मोडाइनेमिक्स प्रॉपर्टीज कैन बी डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरी तो थर्मोडाइनेमिक्स प्रॉपर्टीज को अपन कितने में डिवाइडेड किया इन द टू कैटेगरी तो फर्स्ट कैटेगरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो थर्मोडाइनेमिक्स प्रॉपर्टीज आर टू टाइप्स थर्मोडाइनेमिक्स प्रॉपर्टीज आर टू टाइप्स एक्सटेंशिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंशिव प्रॉपर्टीज तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक्सटेंशिव प्रॉपर्टीज एन एनएक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ मास प्रजेंट और अपॉन द साइज एन एक्सटेंशिव प्रॉपर्टीज इज डिपेंडेंट अप ऑन द अमाउंट ऑफ मास प्रजेंट और अप ऑन द साइज आर एक्सटेंट ऑफ ए सिस्टम फॉर एग्जाम्पल द फॉलोविंग प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंशिव एंथेल्पी एंट्रोपी गिव्ज फ्री एनर्जी हीट कैपेसिटी इंटरनल एलर्जी, मास वॉल्यूम तो देखो इन द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ द डिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मास प्रजेंट अपॉन द साइज ऑफ ही सिस्टम जो मास के ऊपर डिपेंडेंट होगी बट किसके ऊपर इन द साइज ऑफ़ द एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम जो सिस्टम की साइज होगी उसके अमाउंट ऑफ मास के ऊपर डिपेंडेंट होगा उसको बोलेंगे अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम और मास देखो साइज के ऊपर डिपेंड है वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है साइज के ऊपर डिपेंडेंट होता है जिसकी साइज जैसे जैसी होगी उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसी तरह होगी जैसे अब मास मास भी किसके होता है ओनली कि साइज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है और वॉल्यूम वॉल्यूम की जो साइज़ होगी उसी पे मास डिपेंड करेगा जैसी साइज होगी वॉल्यूम जैसी साइज होगी वॉल्यूम उसी की तरह उसी के ऊपर डिपेंडेंट करेगा फॉर एग्जांपल हीट कैपेसिटी इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी एनथेल्पी गिव्स फ्री एनर्जी उसके बाद में आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इनडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मास एंड मे वेरी फॉर प्लेस टू प्लेस विद इन द सिस्टम एट एनी मोमेंट फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी प्रेशर टेंपरेचर कंपरे कंप्रेसेबिलिटी वेपर क्वा क्वालिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन थर्मल कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्पेसिफिक एंट्रोपी अब देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इन द थर्मोडाइनमिक्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑफ मास मे वेरी प्लेस टू प्लेस विच इन द सिस्टम ये किस पे डिपेंडेंट करता है वेरी प्लेस टू प्लेस दिस दिस इन द सिस्टम ऑफ एनी मोमेंटम जो प्लेस टू प्लेस सिस्टम में मूमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सिस्टम में मूवमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है ना कि यह किसी मास के ऊपर डिपेंड करता है ना कि साइज के ऊपर डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल यदि मैं प्रेशर की बात करूँ तो अपन जब किसी सिस्टम पर प्रेशर लगाते हैं तो हर टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर प्रेशर को अपन अप्लाई करते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर टेम्परेचर अपन यदि किसी सिस्टम पर अप्लाई तो मैं यदि टी वन टेपरेचर अप्लाई करूंगा तो टी वन टेम्परेचर पर डिफरेंट टाइप का अपन को कंपाउंड मिलेगा और टी टू टेम्परेचर को डिफरेंट टाइप का कंपाउंड मिलेगा ठीक है क्योंकि एक्सचेंज प्रॉपर्टी प्रॉर्टी में एनर्जी का एक्सचेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी इंटरनल एनर्जी में एक्सचेंज होती है इंटरनल एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी में एक्सचेंज होती है तो उसके लिए अपन टेम्परेचर अप्लाई करते हैं और जब टेम्परेचर की बात करता हूं तो टेम्परेचर में डिफरेंट टी टेम्परेचर लगाया तो टी वन टाइप पर टेम्परेचर टी टू तो उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे अपन थर्मोडाइनिक्स में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इसमें मास को डिपेंड होता है तो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में प्रॉपर्टीज में क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है भाई थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी में दो टाइप्स ऑफ टू प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंडेंट ऑफ मास और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नॉट डिपेंडेंट ऑफ मास क्लियर नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स